हे गाइज, कैसे हैं आप? सो उम्मीद करते हैं से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप जो हमारे स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं, इस टाइप की एडिटिंग आप खुद की मोबाइल फोन से लाइटरूम एप्लीकेशन की मदद से कुछ ही सेकंडों में एडिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको सिंपल वे में तरीका बताऊंगा जो कि आप एक क्लिक में आप इस टाइप के कलर ग्रेडिंग फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा फोटो पहले कैसा था और एडिट करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा हो। हालांकि मैंने इस फोटो को एडिट कैसे किया उसके लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना होगा। और वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर मेरा ये एडिट फोटो है और ये विदाउट एडिट है और ये मेरा प्रीसेट है। यानी जैसे कि प्रीसेट आपको कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा रॉ, ठीक है। इसका मतलब ये मेरा प्रीसेट हो गया और ये हो गया मतलब कि मेरा रियल फोटो और ये मेरा एडिट फोटो। तो मैं यहाँ पे रियल फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन से शेयर करूँगा। लाइटरूम एप्लीकेशन शेयर करने के लिए आपको एक मिल जाएगा शेयर का आइकन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं, नीचे बहुत सारे एप्लीकेशन का लोगो दिख जाएगा। जैसे कि मैं इसको स्क्रॉल करूँगा, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर मिल रहा होगा LR, एड LR, आपको इस पर क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक ये फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन में ऐड, जैसे कहाँ लिख रहा है एडिंग फोटो टू ऑल फोटोज एल्बम, ठीक है। लाइटरूम एप्लीकेशन फोटो ऐड हो चुका है और मैं इस प्रीसेट को ऐड करूँगा। प्रीसेट को ऐड करने के लिए फिर से सेव एप्लीकेशन में क्लिक करना है और ऐड टू LR करना है। ऐड टू LR करने ही ऑटोमेटिक ये फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन में दोनों फोटो मेरा अब शेयर हो चुका है। अब इसको यूज कैसे करना है, सेव कैसे करना है, एडिटिंग कैसे करना है मैं बताऊँगा वीडियो में, बने रहे। अब क्या करनी है, सबसे पहले चलना मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद दोस्तों लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। दोस्तों, आप सबके पास लाइटरूम एप्लीकेशन नहीं है, लाइटरूम एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा या प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से भी आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, प्रीसेट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, मैंने इस पहले रियल फोटो को यहाँ पे मैं ओपन कर लूँगा, जैसे कि मेरा रियल फोटो है और इसको सेट डाउनलोड कीजिएगा ना, तो यहाँ पर आपको प्रीसेट आ जाएगा। प्रीसेट आने के बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा थ्री डॉट का आइकन, आपको इस पर क्लिक करनी है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ बहुत सारा आपको आइकन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा क्रिएट प्रीसेट और कॉपी सेटिंग, तो आपको कॉपी सेटिंग पे क्लिक करनी है। कॉपी सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा आइकन दिख रहा होगा, तो ये जो अनचिक है और इसको ये जो अनचिक, ये सब कुछ चेक नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट आपको साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर लेना है। डन करते ही सेटिंग कॉपी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आपको बैक इस तरह से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों फिर से क्या करना है, ये जो आपको थ्री डॉट है आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो आपको मिल जाएगा पेस्ट सेटिंग, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट सेटिंग ऑटोमेशन जो है हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप पेस्ट क्लिक कीजिएगा या फोटो ऑटोमेटिक, आप ये जो प्रीसेट है ना आप कोई भी फोटो पे आप यूज कर सकते हैं, बट जिस तरह से इस पर काम कर रहा है शायद उस तरह से उस पर काम ना करे, तो उसके लिए क्या करना होगा, मान लेते हैं इस पर थोड़ा लाइट एडजस्टमेंट करना है, कलर ग्रेडिंग करना है, तो आपने मैनुअली कुछ एडजस्टमेंट, जैसे कि मैं लाइट पर क्लिक करूँगा, हल्का से ब्राइटनेस को इंक्रीज करूँगा मैं अपने हिसाब से, अब इसको देख लेना, ठीक है। ब्लैक को कम है ही, उसके बगल में मिल जाएगा कलर, कलर पे क्लिक करना है और वाइब्रेंस को थोड़ी सी मैं इंक्रीज करूँगा, ठीक। उसके अंदर बगल में आपको मिल जाएगा मिक्स, ठीक। मिक्स में मैं क्लिक करूँगा और मेरे को फेस और भी वाइट करना है, ठीक है। तो मेरे को फेस को और वाइट करना है, तो मैं सिंपली ये जो ऑप्शन दिख जाएगा मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये सिचुएशन माइनस ऑलरेडी है, लुमिनस बढ़ाते, मैं लुमिनस को थोड़ा और इंक्रीज करूँगा, ठीक है। सिचुएशन को और माइनस करूँगा, ये देखिए मेरा फेस वाइट हो गया। और भी कोई कलर यहाँ पे डाल, जैसे कि ये बैकग्राउंड में जो ब्लू है मैं ब्लू पे क्लिक करूँगा और इसको थोड़ा ह्यू माइनस करूँगा, ठीक। सिचुएशन को मैंने प्लस किया तो माइनस था, मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, देखिए ये आ गया ना एक वाटन। और जैसे कि अपने कलर एडजस्टमेंट अपने हिसाब से करना है, ठीक है भाई लोग, मैं अपना देख लूँ कैसे करना है, मैं अपना तो कर रहा हूँ। मैंने हर फोटो पर आटा अलग इफेक्ट काम करती है, तो आपको जैसे कि लिप का कलर रेड करना है ना, तो रेड पर क्लिक करूँगा और रेड को सिचुएशन और प्लस करूँगा, ठीक। रेड क्लिप होगा, ठीक। इतना करने से फेस अभी स्मूथ नहीं, ठीक है। स्मूथ करने के लिए स्मूथ थोड़ा करना है, थोड़ा और में ऑफ करना हो, यहाँ डिटेल पे क्लिक करना है और सबसे नीचे आना, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, डिटेल और स्मूथ, ये दोनों को आपको 100 कर लेना है, 50-50 है, इसको 100 कर लीजिए। इतना करने के बाद दोस्तों ना देख सकते मेरा फोटो पहले कैसा था और आप कैसा आपको दिख रहा हो। हालांकि इस फोटो को सेव करना है तो आपको मिल जाएगा शेयर का आइकन, आपको इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा सेव टू डिवाइस, आप इस पर क्लिक करके फोटो को सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद इसको ओके कर लीजिएगा, फोटो आपको गले में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद है, अगर वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में नेट टॉपिक के साथ। लव यू, टेक केयर, ओके, बाय बाय।